हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। तो चलिए, जैसे कि आप सबको पता होगा कि दिस इज शिवानी हियर। मैं आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। हम एंड ये जो चैनल है हमारा, यहाँ पे आपको 2023 के लिए सारे फ्री फ्री सिलेबस का कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर, जैसे कि जो लोग डेली क्लास देख रहे हैं, उन सबको लिए उन सबको पता होगा कि हमने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और एडसॉर्प्शन का भी, ये लास्ट क्लास होगा आपके लिए, ठीक है। ओके, सो मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को इस चैनल पर। तो चलिए, ये जो सारे एग्जाम्स हैं इसको आप आगे जाकर देने वाले होंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में हमने ऑलमोस्ट 90% सिलेबस ख़त्म कर लिया है। मैंने आपको फिजिकल एडजर्प्शन क्या होता है बता दिया था, उसके बाद केमिकल एडजर्प्शन क्या होता है उसके पीछे भी बता दिया था, फिर हमने थ्योरम भी देखा था, फिर हमारा सिर्फ बाकी था क्या, फ्रेंडली का एडजर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको लैंगमुइर क्या होता है बता दिया था, एंड जो बेट जो थ्योरी होता है आपका, वो कोर्स में आपका नहीं है, सिर्फ इतना तक ही है। तो आज हम इसको पढ़ा के ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो फिर चलते ही शुरू करते हैं कि एक्चुअली में फ्रेंडली एडजर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, ठीक है। नोट्स मैंने आपको बताया था कि इस क्लास के लिए, ये जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, इसके लिए मैं आपको नोट्स नहीं दूंगी, तो आपको मेरे क्लासेस में से ही खुद से बनाना होगा, ठीक है। ओके, फ्रेंडली एडजर्प्शन आइसोथर्म, ओके। सो एक्चुअली में ये होता क्या है, ये एक्चुअली में क्या होता है कि इन 1909, ठीक है, इन 1909 फ्रेंडली गिव एन एम्पेरिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द आइसोथर्मल वेरिएशन ऑफ एडजर्प्शन ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ गैस एडजर्व बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजर्वेंट विथ प्रेशर, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि फ्रेंडली ने 1909 ईयर में, ठीक है, 1909 ईयर में फ्रेंडली ने क्या किया कि जो एडजर्प्शन होता है सॉलिड के सरफेस के ऊपर, वो उसका टेम्परेचर वेरिएंट कैसा होता है, ठीक है। जो आइसोथर्म मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो उन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के एडजर्प्शन कैसे प्रेशर के साथ वैरी करता है, उसी को एक ग्राफ के हिसाब से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फ्रेंडली ने एडजर्प्शन कितना होता है, एडजर्प्शन का क्वांटिटी कितना होता है, द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड एडजर्बेंट विथ प्रेशर, इसी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। दे ही रिप्रेजेंट्स द एडजर्प्शन, लिख लीजिए मेरे साथ साथ ही, ही रिप्रेजेंट द एडजर्प्शन क्वांटिटी, द एडजर्प्शन ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजर्बेंट विथ प्रेशर, प्रेशर के साथ कैसे ये वैरी करता है एडजर्प्शन क्वांटिटी ऑन द सॉलिड एडजर्बेंट, उसी को उन्होंने दर्शाया था, ठीक है। द इक्वेशन इसी से, ये ग्राफ से जो इक्वेशन आया उसी को हम बोलते हैं फ्रेंडली एडजर्प्शन आइसोथर्म और फ्रेंडली एडजर्प्शन इक्वेशन, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या था कि एक्स डिवाइडेड बाई एम विल बी इक्वल टू के टी टू दावर 1/n, ठीक है। ये था फ्रेंडली एडजर्प्शन इक्वेशन। तो एक्स क्या होता है, एक्स इज द मास ऑफ द गैस एडजर्ब, ठीक है, लिख लीजिए, एक्स एक्स इज द मास ऑफ गैस एडजर्ब, एम इज द मास ऑफ द एडजर्बेंट, पी इज द प्रेशर, लिख लीजिए, इंक थोड़ा चेंज कर लीजिए मुझे, ओके। तो एक्स होता है, एक्स इज योर मास ऑफ
गैस अड्सॉर्ब ठीक है, एम इज योर मास ऑफ एडसॉर्बेंट, पी इज योर प्रेशर ठीक है। तो इक्वेशन था एक्स डिवाइडेड बाई एम विल बी इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n ठीक है। एक्स इज था आपका मास ऑफ द गैस एडसॉर्ब, एम इज द मास ऑफ द एडसॉर्बेंट ठीक है, एंड पी इज द प्रेशर ओके। सो चलिए फिर आगे चलते, देखिए उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि एट लो प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, एट लो प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इसको लिख लेते हैं थोड़ा, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, एंड मतलब एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन मीन्स क्या, एक्स डिवाइडेड बाई एम कितना मास एडसॉर्ब होता है गैस का, डिवाइडेड बाई पर यूनिट मास ऑफ द एडसॉर्बेंट, द गैस मास ऑफ द गैस एडसॉर्ब पर यूनिट ऑफ द मास ऑफ द एडसॉर्बेंट ठीक है। तो ये एक्स बाई एम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर एट वेरी लो टेम्परेचर, बट एट हाई टेम्परेचर, यस एट हाई प्रेशर, सॉरी एट हाई प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन मीन्स एक्स डिवाइडेड बाई एम विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, मतलब पी टू द पावर 0, यहाँ पे पी टू द पावर 0 मतलब क्या 1, तो एक्स डिवाइडेड बाई वन एम विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा एट हाई प्रेशर ठीक है। तो देयरफॉर एट इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द प्रेशर द एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर रेज टू द पावर 1/n, एन इज योर वेरिएबल हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे 1 एन जो 1/n है, एन है एक वेरिएबल जिसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा ठीक है। तो यहाँ पे जब इंटरमीडिएट प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो आपका एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड करेगा कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू के ऊपर। तो मेन इक्वेशन क्या आएगा, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर एक्स डिवाइडेड बाई एम मतलब एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 1/n, एन इज योर वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए कि एक्स बाई एम मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू पी टू द पावर 3 मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 33.3%, 1/3 मतलब क्या इतना, तो इतना परसेंटेज के ऊपर पी का इतने परसेंटेज के ऊपर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड करता है ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस एडसॉर्प्शन इक्वेशन इज नोन एज फ्रेंडली एडसॉर्प्शन इक्वेशन ओके। सो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्लॉट्स कितने होते हैं। अब फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बस इतना ही था ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं कि इसमें ग्राफ्स क्या क्या होते हैं या फिर प्लॉट्स क्या क्या होते हैं ठीक है। तो एज पर एडसॉर्प्शन इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन दिए था कि एक्स बाई एम विल बी इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n, के आया आपका कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लॉग लगाऊँ दोनों साइड में, टिकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टिकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग एक्स बाई एम विल बी इक्वल टू लॉग के पी टू द पावर 1/n, यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस, सॉरी लॉग एक्स माइनस लॉग एम विल बी इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n इंटू लॉग पी। इसको एक्स वाई एम ही रखने दीजिए ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना होगा कि इसके बीच में एक्स वाई एम एंड प्रेशर के बीच में ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
यहाँ पे हो जाएगा क्या, लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एम विल बी इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। ये होगा आपका फाइनल इक्वेशन फॉर द प्लॉट्स, ठीक है। अगर एक प्लॉट होगा ऐसे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह। ये है आपका इंटरसेप्ट, है ना। इंटरसेप्ट होगा लॉग के, एंड एम यहाँ पे 1/n जो होगा वो होगा स्लोप, एंड वेरिएबल है एक्स बाई एम एंड पी। लॉग एक्स बाई एम एंड लॉग पी के बीच में हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे इंटरसेप्ट है लॉग के। तो 0 से ग्राफ स्टार्ट ना होके ऊपर से स्टार्ट होगा एंड ऊपर जाएगा। ये है लॉग के एंड यहाँ पे स्लोप है 1/n, ठीक है। सो ये था आपका एक प्लॉट जहाँ पे हमने देखा कि लॉग एक्स डिवाइडेड बाई सॉरी लॉग एक्स बाई एम वर्सेस लॉग पी के बीच में प्लॉट्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ये था आपका, इतना ही प्लॉट्स आता है आपका फ्रेंडली के ऊपर, ठीक है। तो यही आपके पास इम्पोर्टेंट है। अगर मैं एक लिमिटेशन के बारे में बात करूं, फ्रेंडली का अगर एक लिमिटेशन के बारे में बात करूं, हमने बात किया था लैंगमेयर का एडजम्पशन का लिमिटेशन क्या होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं फ्रेंडली का लिमिटेशन के बारे में बात करूं, तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज डिटरमिन दैट एक्सटेंट ऑफ एडजम्पशन, ठीक है, वेरीज डायरेक्टली विथ प्रेशर टिल सैचुरेशन प्रेशर। मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमारे पास होता है ना सैचुरेटेड टेम्परेचर, या फिर जैसे कि हम मान लीजिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन एक एक सॉल्यूशन अगर सैचुरेटेड एक बार हो गया तो उसके बाद हम जितना भी सॉल्यूट वहाँ पे ऐड करेंगे वो और मिक्स नहीं होगा वो सॉल्यूशन में, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही सैचुरेटेड प्रेशर मतलब क्या, इट इज़ अ प्रेशर, नो मैटर हाउ मच वी प्रेशर अप्लाई द गैस विल नेवर बी एड्सॉर्ब, ठीक है, ऑन द सॉलिड सर्फेस। तो एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमिन किया गया था कि द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वेरीज डायरेक्टली विथ प्रेशर टिल ए सैचुरेशन प्रेशर इज रीच्ड, ठीक है, बियॉन्ड एट द पॉइंट ऑफ बियॉन्ड एट द रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन सैचुरेशन, ठीक है, इवन आफ्टर अप्लाई हायर प्रेशर द एड्सॉर्प्शन विल नॉट अकर। जितना भी इसका मीनिंग यही है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर तक, ठीक है, सॉरी गाइस, एक पर्टिकुलर प्रेशर तक कांस्टेंट अगर हम टेम्परेचर को रखेंगे एंड एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को अगर हम स्टडी करेंगे प्रेशर को चेंज करके, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर मिनिमम प्रेशर तक वो एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर प्रेशर के बाद अगर हम और ज़्यादा प्रेशर दें तो हम जितना वो हाई क्यों ना हो गैस एड्सॉर्ब नहीं होगा, इसका यही मतलब है, यही है उसका लिमिटेशन, ठीक है। दिस इज द फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन वेयर इट फेल्स, ठीक है। तो हायर प्रेशर में इसीलिए वो ये काम नहीं करता, क्योंकि हम जितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज नहीं करता। लो प्रेशर या फिर इंटरमीडिएट प्रेशर तक गैस एड्सॉर्ब होता है, एंड जितना अगर हम हाई प्रेशर, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर लें तो आपका गैस एड्सॉर्ब नहीं होगा। तो यही था फ्रेंडली का लिमिटेशन, ठीक है। तो यहीं पे आपका ख़त्म होता है आज। एंड जो बेट जो थ्योरम है, बेट थ्योरी, वो लिक्विड स्टेट का होता है ना बेट थ्योरी, ये आपका कोर्सेस में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा बेट आइसोथर्म या फिर बेट का थ्योरी से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एडजर्वेशन में जितना भी आता है मैक्सिमम 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 मार्क्स में से जितना आपको आना चाहिए था मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। तो कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव। उसके लिए मैं इंट्रोडक्शन छोटा सा दे देती हूँ कि सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव होता क्या है। यहाँ पे हम बेसिकली सॉल्यूशन के ऊपर पढ़ेंगे,
ठीक है, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं थोड़ा। एक मिक्सचर क्या होता है? सॉल्यूशन, नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कल से, क्या? सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम सॉल्यूशन क्या होता है उसको पढ़ेंगे। सॉल्यूशन, सॉरी, उसके बीच में पार्टिकल्स कैसे कैसे एक्ट करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर उसके साथ साथ कैसे चेंज होता है, मिक्सचर क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन मतलब कोई, सॉल्यूशन मतलब क्या, मिक्सचर, ठीक है सर। जैसे कि आपका हो गया सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन, या फिर शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन। तो ये होता है एक सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर, जहाँ पे मेनली सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में हो सकता है आपके पास। सॉल्यूशन मतलब वहाँ पे कंपोनेंट क्या क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट एंड दूसरा होता है सॉल्यूट। तो अगर मैं एक मिक्सचर की बात करूँ, नॉर्मली कोई भी मिक्सचर हो सकता है, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, या फिर गैस का ही मिक्सचर देख लीजिए। हमारा एटमोसफेयर जो है वो पूरे की पूरे गैस का मिक्सचर है, ठीक है। अगर मैं उस मिक्सचर की बात करूँ, तो मिक्सचर में, मिक्सचर एक्चुअली होता क्या है कि टू और मोर देन कंपाउंड आर मिक्स, ठीक है। अगर मैं मिक्सचर की बात करूँ, सिंपली मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। मिक्सचर मतलब मिक्स, मिक्सअप होना। जैसे कि गैस मिक्सचर क्या मतलब, गैस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, गैस मिक्सचर मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, बहुत सारे, वाटर वेपर भी हो गया, बहुत सारे ऐसे गैस मिलकर एक जगह में रहना, गैस का मिक्सचर एटमोसफेयर होता है, ठीक है। तो मिक्सचर मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो मिक्सचर होता है दो तरह का। मिक्सचर का अगर मैं क्लासिफाई करूँ, मिक्सचर होता है टू टू टाइप्स, ठीक है। वन इज योर होमोजीनियस, सेकेंड वन इज योर हेटेरोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन्स क्या, जहाँ पे सिंगल फेज होता है। होमोजीनियस मीन्स, इसको भी मेरे साथ साथ लिखते रहना, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी। सिंगल फेज, फेज मतलब स्टेट, उसका सिंगल फेज मतलब होमोजीनियस। मतलब जैसे कि अगर मैं सॉल्ट प्लस वाटर को देख लीजिए, सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड फेज में होता है एंड वाटर जो होता है वो लिक्विड फेज में होता है। फेज मतलब कंडीशन क्या होता है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस का, ठीक है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन मीन्स, और होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स, सॉलिड एंड लिक्विड को हमने मिक्स किया, लेकिन आउट जो रिजल्ट आया आपके पास वो एक सिंगल फेज में आया, वो लिक्विड फेज में आया, ठीक है। वहाँ पे आपको, अगर आप ढूंढेंगे जाके सॉल्ट पार्टिकल को, वो और नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे सिंगल फेज हो गया ना। तो वैसे ही अगर मैं हेटरोजीनियस मिक्सचर की बात करूँ, यहाँ पे फेजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सिंगल फेज नहीं, डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेजेस मतलब जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स कर दूँ, शुगर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर, यहाँ पे दो क्रिस्टल एंड सॉलिड जो है वो मिक्सअप हो गए एंड यहाँ पे पार्टिकल को आप देख सकते हैं। ऑल्दो बोथ आर इन द सॉलिड फेज, बट आप अलग अलग कर सकते हैं ना, सॉल्ट पार्टिकल को एंड शुगर पार्टिकल को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेज मतलब आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मार्क कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ सिंगल फेज, आप एक बार मिक्सचर बन गया तो आप वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस मिक्सअप हुआ है उसको आप फिर से अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये था मिक्सचर। तो मिक्सचर लिक्विड लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड सॉलिड का हो सकता है, लिक्विड गैस का हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड सॉलिड हो सकता है, सॉलिड गैस हो सकता है, गैस गैस हो सकता है, गैस लिक्विड हो सकता है, गैस सॉलिड भी हो सकता है। जैसे कि ये जो हमारी इक्वेशन था पर्टिकुलर, जब ओलिफिन अल्केन में कन्वर्ट होता है, जब मान लीजिए कि ये है CH2, CH2, ठीक है,
इसको हम निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस उभर करते हैं एंड वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्केन में। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन हो रहा है निकेल का सरफेस, निकेल का जो फाइन पाउडर है उसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मिक्सअप हो रहा है सॉलिड एंड गैस का, ठीक है। तो ऐसे ही मिक्सअप मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। ठीक है। तो फिर ये था आपका कुछ इंट्रोडक्शन, स्मॉल इंट्रोडक्शन। आगे हम पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है, उसको हम वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन कैसे कैसे होते हैं, फिर मोल कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ठीक है। इस सब कुछ हम पढ़ेंगे और बहुत सारे फॉर्मूलाज को भी डिस्कशन करेंगे। तो होप कि आप लोग ये सेशन को एंजॉय किया होगा। तो कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सॉल्यूशन कोलिगेटिव। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर। आज के लिए यही स्मॉल सेशन मिला था मुझे। थैंक यू गाइस।